अब यहाँ पे हमारा जो स्टोरी है ये आपका नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट होता है। तो हमने जो ये पढ़ा ये आपका लास्ट एंडिंग था। इसमें साहेब के बारे में जो हमने पढ़ा कि साहेब एक रैक पिकर था, यहाँ पे उसका स्टोरी ख़त्म हो जाता है। और आपने देखा स्टूडेंट्स कि किस तरीके से साहेब जो कि एक छोटा सा बच्चा था वो कितना अपने लाइफ में कितना स्ट्रगल करता था, ठीक है ना। उसको कभी एजुकेशन मिला ना, उसके पास ठीक से पहनने के कपड़े होते थे ना ही कोई खाना मिलता था उसको। तो उसको अपने लाइफ में कितना कुछ स्ट्रगल करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग सा एक स्टोरी हमारा कंप्लीट होता है। और इसी चैप्टर में ऑथर ने हमको एक और बच्चे के बारे में स्टोरी बताया गया है। और ये स्टोरी आपका एक डिफरेंट स्टोरी है, मीन्स यहाँ से हमारा न्यू स्टोरी अब स्टार्ट होगा। और इस स्टोरी का टाइटल है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। अब ये स्टोरी जो हम पढ़ने वाले हैं ये भी एक बच्चे के बारे में ही है। इसमें भी ऑथर ने चाइल्डहुड को स्टोल कि चाइल्डहुड बचपना कैसे चोरी हो जाता है, इस स्टोरी के थ्रू भी वो हमको यही बताना चाहती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये स्टोरी हम। मुकेश इंसिस्ट ऑन बींग हिज ओन मास्टर, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। अब इससे पहले वाली स्टोरी में हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, साहेब आलम, ओके। अब इस स्टोरी का जो कैरेक्टर है वो कौन है, मुकेश, मुकेश और ऑथर, ठीक है। तो इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो है मुकेश, जो कि एक बच्चा रहता है, एक बॉय रहता है, यंग बॉय रहता है। और वो कहता है कि वो खुद का ओन मास्टर मतलब खुद का मालिक बनना चाहता है। उसको एक मोटर मैकेनिक चाहिए या फिर उसको एक मोटर मैकेनिक बनना है, ऐसा वो अनाउंस करता है, ऐसा वो बताता है ऑथर को। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार, आई आस्क। ऑथर उनसे पूछती है कि क्या तुमको कुछ भी कार के बारे में पता है। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। अब जैसे ही ऑथर उनसे पूछती है कि तुमको कार के बारे में कुछ भी पता है, तो वो उनके आँख से आँख मिलाते हुए कहता है कि मैं कार चलाना सीख जाऊँगा, मुझे कार चलाना सीखना है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज एमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल। जैसे वो ये रिप्लाई करता है तो ऑथर ये कहती है कि जो उसका ड्रीम है, जो उसका एक सपना है कि उसको मोटर मैकेनिक बनना है, उसको कार चलाना है, वो कैसा है, एक मिराज की तरह है, ठीक है। अब मिराज मींस क्या होता है, एज्यूम करिए कि जब आप रेगिस्तान पे जाते हैं, ठीक है, जब रेगिस्तान पे कोई भी जाता है तो उसको ये लगता है कि सामने पानी है, लेकिन जब उस प्लेस पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे एक्चुअल में पानी नहीं होता है। तो ऑथर मिराज मीन्स यहाँ पे कंपेयर करते हुए बता रही है कि जो मुकेश का ड्रीम रहता है पूरा एक मिराज की तरह रहता है, मीन्स उसको दिखता तो है कि सामने में उसका ड्रीम है, वो वहाँ पे जाता है तो एक्चुअल में उसका ड्रीम नहीं होता है, ठीक है। आगे ऑथर ये भी बताती है क्योंकि वो एक धूल से भरे हुए स्ट्रीट पे रहता है, स्ट्रीट के धूल से भरे हुए स्ट्रीट के मिड्स में रहता है, मीन्स बीच में रहता है। और उसका स्ट्रीट, उसका टाउन कौन सा, एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद किस लिए फेमस है, तो अपने बैंगल्स के लिए, मीन्स चूड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, ठीक है। फिरोजाबाद में जितने भी परिवार रहते हैं सबके सब क्या काम करते हैं, किससे जुड़े हुए हैं, तो बैंगल बनाने के काम से जुड़े हुए हैं। और वहाँ के हर एक लोग से बैंगल बनाने का काम ही करते हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सिम्स। आगे ऑथर ये भी बताती है कि जो ये फिरोजाबाद है वो इंडिया का क्या है, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का, ठीक है। ग्लास ब्लोइंग, ग्लास मीन्स होता है कांच, तो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री मीन्स ग्लास से बना हुआ जो बैंगल होता है, चूड़ियाँ होती हैं, उसका इंडस्ट्री, उसका उद्योग कहाँ है आपका, मेन जो है वो आपके फिरोजाबाद में है। आगे बताती है ऑथर कि फिरोजाबाद के जितने भी फैमिली हैं, जितने भी परिवार हैं, वो अपना पूरा जनरेशन, अपना पूरा पीढ़ी, वो उन लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने वहाँ जो फर्नेसेस होते हैं, जो भट्टियाँ होती हैं, मीन्स जहाँ बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में हीट दिया जाता है, उसका हीट का यूज़ करके उन लोग बैंगल मेकिंग का जो वर्क करते हैं, ठीक है, वेल्डिंग ग्लास मीन्स कांच को जोड़ने का जो काम होता है, उसके बाद उन लोग जो बैंगल्स बनाते हैं, चूड़ियाँ बनाते हैं, जितने भी वुमेन्स हैं उन सभी के लिए। तो
फिरोजाबाद में रहने वाले हर एक लोग, ऑथर ये बताना चाह रही है कि वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी परिवार रहते हैं, सबके सब सिर्फ वहाँ बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। और वो एट लास्ट ये भी कहती है कि वहाँ इतने ज़्यादा अमाउंट में चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, मानो कि पूरे जितने भी लैंड है, मतलब जितने भी लोग हैं वहाँ, जितने भी वुमेन्स हैं, सबके सबके हाथ में जो भी चूड़ियाँ हैं वो सब किस कहाँ के हैं, तो फिरोज़ाबाद के हैं। मीन्स वो हमको एक अमाउंट बताना चाह रही है कि इतने ज़्यादा अमाउंट में वहाँ बैंगल मेकिंग होता है। मुकेश फैमिलीज अमंग देम, मुकेश का जो परिवार था उसी में से एक, उसका भी एक परिवार था। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light. और उनमें से किसी को भी ये नहीं पता था कि जो भी चिल्ड्रन, जो भी बच्चे वहाँ काम करते हैं वो सारा क्या है, इलीगल है, गैर कानूनी है। क्योंकि उन लोग कैसे माहौल में काम करते हैं, तो वहाँ एक फर्नेस होता है, मीन्स एक भट्टी होता है जिसमें बहुत ही हाई टेम्परेचर दिया जाता है, और डिंगे सेल रहता है, मतलब एक बंद कमरा रहता है जहाँ पे ना ही एयर रहता है, ना ही हवा मिलती है उनको, ना ही वहाँ कोई रोशनी मिलती है। और ऐसे बंद कमरे में रह के उन लोग क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर में अपना वर्क करते हैं। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लोक देयर डे लाइट आवर्स ऑफन लॉजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज। ओके, और आगे ये बताती ऑथर कि वहाँ लगभग से 20,000 से भी ज़्यादा बच्चे उस फर्नेस में काम करते हैं। अगर उनके लिए कोई लॉ बन जाता, कोई नियम बन जाता, तो उन लोग क्या करते, उन काम से बच जाते, क्योंकि उनसे क्या होता है कि उन लोग पूरे हाई टेम्परेचर में वर्क कर रहे हैं, तो अपने उन लोग आँख का जो रोशनी होता है, हमारे आईज़ का जो ब्राइटनेस होता है, उसको धीरे धीरे करके उन लोग क्या करते हैं, पूरा खो देते हैं, उनका लॉस हो जाता है। मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज बींग रिबिल्ट। अब जो मुकेश रहता है वो ऑथर को ले जाकर, ठीक है, उनको ले करके वो अपने घर जाता है, घर की ओर जाता है, और ये बताता है कि जो उसका घर है वो रिबिल्ट हो रहा है, मीन दोबारा से अच्छे से वो बन रहे हैं। और ये बताते हुए मुकेश क्या रहता है, बहुत ज़्यादा खुश रहता है। वी वॉक डाउन स्टिकिंग लेंस चॉक्ड विद गार्बेज past homes that remain, hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. आगे ऑथर बताती है कि जैसे मुकेश उसको अपने घर ले जाते रहते हैं, तो उन लोग क्या करते हैं, stinking lens, मतलब stinking means होता है bad smell, मतलब ऐसे गली में जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गंदा स्मेल आते रहता है, मीन्स बदबू आती रहती है, और वो पूरे गार्बेज से, कचड़े से पूरा चौकड रहता है, मीन्स ब्लॉक्ड रहता है, बंद रहता है, भरा हुआ रहता है वो गली पूरे कचड़े से, ठीक है। और जैसे वो अपने उसके घर के तरफ पहुंचती है, तो जो वॉल्स रहता है क्रम्बलिंग, मीन्स अच्छे से वो नहीं बने रहता है, वो सेटल नहीं रहता है, और वो जो डोर रहता है, ठीक है, क्रम्बलिंग मीन्स हियर क्रम्बलिंग मीन्स टकराना, ठीक है, वो एक दीवार से टकरा जाती है, और वो जो डोर रहता है वो वॉबली रहता है, मीन्स हिलता हुआ रहता है, उनके घर में कोई भी खिड़की नहीं रहती है, और जितने भी लोग उनके परिवार में जितने भी लोग रहते हैं उसका पूरा भीड़ रहता है। क्यों? क्योंकि उनके घर में ह्यूमंस लोग, मीन्स इंसान लोग भी, और जितने भी एनिमल्स हैं मीन्स जानवर लोग भी, सबके सब मिल करके एक ही साथ उस घर में रहते थे। इसलिए ऑथर कहती है कि मुझे इंसानों का और जानवरों का पूरा भीड़ उस घर में देखने को मिलता है। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. अब क्या करती है जो ऑथर रहती है, वो एक डोर के पास, ठीक है, मतलब एक घर के दरवाजे के पास रुक जाती है, उनका जो फिट रहता है, उनका जो पैर रहता है वो किससे टकराता है, एक के हिलता डुलता एक लोहे के दरवाजे से टकरा जाता है, वो उसको धक्का दे करके ओपन करती है, उनको खोलती है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, और वो एक हाफ बिल्ट मीन्स आधा अधूरा बना हुआ एक शैक पे, एक झोपड़ी पे उन लोग अंदर जाते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थेस्ड विथ डेड ग्रास इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पैनिश लीव्स। अब वो बताती है कि उस घर के एक हिस्से में क्या रहता है, थेस्ड विथ डेड ग्रास मीन्स उनका जो छत रहता है वो सूखे सूखे घास से बना हुआ रहता है। उनके घर में फायरवुड स्टोव रहता है, फायरवुड स्टोव मीन्स जो आप लोग यूज़ करते होंगे, मे भी कभी देखा होगा आपने कि क्या करते हैं, चारों
थ्री साइड्स को उन लोग क्या करते हैं, पैक कर देते हैं, उसमें फिर लकड़ी जला करके उसमें खाना बनाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड फायरवुड स्टोव। तो वहाँ पे एक फायरवुड स्टोव भी रहता है जिसमें एक बड़ा सा वेसल मीन्स बड़ा सा बर्तन रहता है जिसमें स्पेनिज के लीव्स मीन्स पालक के जो पत्ते होते हैं वो बन रहे होते हैं, मीन्स पालक का सब्जी बनते रहता है। ऑन द ग्राउंड लार्ज एलुमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, ठीक है, और ज़मीन पे एक एलुमिनियम का प्लेटर रहता है। एलुमिनियम का प्लेटर मीन्स लॉन्ग प्लेट, जो बड़े बड़े प्लेट्स होते हैं, तो एलुमिनियम का बड़ा बड़ा प्लेट रहता है जिसमें कटी हुई बहुत सारी सब्जियाँ रखी हुई रहती हैं। अ फ्रेल यंग वुमेन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक से स्माइल्स सिज द वाइफ ऑफ मुकेश एडर ब्रदर। आगे ऑथर ये बताती है कि एक यंग वुमेन मीन्स उसका एज ज़्यादा नहीं रहता, बहुत यंग रहती है वो, शाम का, ठीक है, इवनिंग मील मीन्स जो शाम का भोजन होता है वो बनाते रहती है, वो भी पूरे होल फैमिली के लिए मीन्स पूरे परिवार के लिए। और उनका जो आँख रहता है वो क्या रहता है, धुएं से भर जाया रहता है, उसके बाद भी उसके फेस में एक स्माइल रहता है, एक मुस्कान रहती है। और वो बताती है ऑथर कि जो वो वुमेन रहती है वो कौन रहती है, मुकेश एल्डर ब्रदर, वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मतलब उसका जो बड़ा भाई रहता है, मुकेश का जो बड़ा भाई रहता है उसकी वाइफ रहती है, उसकी पत्नी रहती है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ठीक है। आगे ऑथर ये भी बताती है कि उसका एज क्या रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन उसको एक रिस्पेक्ट मिलता है एज अ बहू। बहू इज़ अ हिंदी वर्ड जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डॉटर इन लॉ, और वो उस घर की डॉटर इन लॉ रहती है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ थ्री मैन, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। और वो बताती है कि उसको तीन लोगों का इंचार्ज, मतलब तीन लोगों की जिम्मेदारियां रहती है उस यंग वुमेन पे, जो कि वो खुद ज़्यादा एज की नहीं रहती है। और वो तीन पर्सन कौन कौन रहते हैं, तो उसका हस्बैंड रहता है, खुद एक मुकेश रहता है, और उन दोनों के जो फादर रहते हैं। इस तरीके से तीन लोगों की जिम्मेदारी रहती है मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ पर। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. आगे ऑथर ये भी बताती है कि जब एल्डर मैन लोग मीन्स जो बुज़ुर्ग रहते हैं, ठीक है, जो मेल पर्सन रहते हैं, जैसे ही मेल पर्सन उनके घर में आते हैं तो उन लोग क्या कर लेते हैं, खुद को ब्रोकन वॉल मीन्स टूटे हुए दीवार के पीछे वो खुद को छुपा लेती है, और अपना जो वेल क्लोज़र टू हर फेस, मतलब अपना जो घूंघट रहता है अपने घूंघट से क्या करती है, अपने फेस को वो कवर कर लेती है, अपने फेस को ढक लेती है। आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट्स कि हमारा इंडियन कस्टम होता है कि कई जगह भी ये क्या होता है, ट्रेडिशन होता है कि जो वुमेन लोग होते हैं वो मेल पर्सन के आगे में क्या करते हैं, अपना फेस कवर कर लेते हैं। एज कस्टम डिमांड्स डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। ये जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कई जगह में ऐसा कस्टम रहता है, ऐसी रीति रिवाज रहते हैं, परंपराएं रहते हैं कि जो डॉटर इन लॉ रहते हैं मीन्स जो बहू लोग रहते हैं उनको क्या करना पड़ता है, मेल पर्सन लोग के सामने अपने फेस को कवर करना पड़ता है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोवाइज बैंगल मेकर डिस्पाइट लॉन्ग ईयर ऑफ हर्ट हार्ड लेबर। First as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his two sons to school. आगे एक author ये भी बताती है कि जो वो male person रहते हैं means जिनके सामने मुकेश के बड़े भाई की wife क्या करती है, खुद का फेस कवर कर लेती है, इन शॉर्ट जो मुकेश के फादर रहते हैं, ओके, वो बताते हैं कि वो बहुत ही इम्पुअराइज्ड बैंगल मेकर रहते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा गरीब, वेरी पुअर, बहुत ज़्यादा गरीब बैंगल मेकर रहते हैं, चूड़ी बनाने वाले रहते हैं, बहुत सालों की कड़ी मेहनत के बावजूद भी, ठीक है। जो मुकेश के फादर थे पहले वो एक टेलर थे, उसके बाद वो बैंगल मेकर बने, और बहुत सालों की कड़ी मेहनत के बावजूद भी वो अपने घर को रिनोवेट रिपेयर करने में कामयाब नहीं हो पाए, उन्होंने कभी भी अपने दोनों बेटों को स्कूल नहीं भेजा था। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच देम वॉट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। और उन्होंने अपने पूरे लाइफ में क्या सिखाया, क्या किया है, तो वो ये काम किया था कि उन्होंने अपने दोनों बेटों को क्या सिखा दिया था, आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, मतलब चूड़ी बनाने की जो कला होती है वो उन लोगों को सिखा दिया था, टीच कर दिया था। It is his karma, his destiny,
सेज मुकेश ग्रैंड मदर हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद अ डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल। आगे जो मुकेश की जो ग्रैंड मदर रहती है, ठीक है, उनकी जो दादी रहती है, वो बताती है कि वो उनका कर्म था, वो उनका किस्मत था, क्योंकि वो बताती है कि उन्होंने अपने ओन हस्बैंड को, ठीक है, ब्लाइंड होते हुए, अंधे होते हुए खुद देखा है। क्यों? आगे वो ये भी मेंशन करती है कि वो जो ग्लास बैंगल्स मीन्स कांच की जो चूड़ियाँ बनाया करते थे, तो उस चूड़ी को बनाते समय जो डस्ट आता था जब उसको वो पॉलिश करते थे, मीन्स हम लोग शॉर्ट में ये समझ सकते हैं कि जो बैंगल मेकिंग करते थे उस टाइम पे वो अंधे हो गए थे। कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन? से इम्प्लाइज, और वो कहती है कि जो गॉड गिवन लीनेज होता है, मतलब गॉड के द्वारा दिया गया जो वंशज होता है, क्या वो कभी ख़त्म हो सकते हैं? बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद। आगे वो ये बताती है कि अगर वो बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, मतलब एक बैंगल मेकर के जाति में अगर वो पैदा हुए हैं, तो वो सब तरफ अगर कुछ भी नहीं देखेंगे तो सिर्फ क्या देखेंगे? सिर्फ चूड़ियाँ देखेंगे। अपने घरों में भी बैंगल देखेंगे, अपने यार्ड में मीन्स अपने घर के पीछे में भी देखेंगे, और जितने भी लोग हैं, जितने भी घर हैं फिरोजाबाद में, हर कोई अपने घर में, साथ ही साथ अपने यार्ड में मीन्स अपने घर के पीछे, और अपने स्ट्रीट में मीन्स अपने हर एक गली में, सिर्फ उनको क्या देखने को मिलता है? तो सिर्फ और सिर्फ बैंगल्स देखने को मिलते हैं। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड पैडी, ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो, ला इन माउंट्स इन अनकैप्ड यार्ड्स, आर पाइल्ड ऑन फोर व्हील्ड हैंड कार्ट्स पोस्ट बाय यंग मैन अलॉन्ग द नैरो लेंस ऑफ द सेंटी टाउन। आगे उस चूड़ियों का जो मीन्स बैंगल के कलर कुछ मेंशन है कि वो सनी गोल्ड कलर के भी होते हैं, ग्रीन के भी होते हैं, ब्लू के भी होते हैं, पिंक, पर्पल और रेनबो में, ठीक है, हमारे रेनबो में जितने भी सात कलर होते हैं, सेवन कलर्स होते हैं, उनके जितने भी सेट होते हैं, उन सभी सेट के बैंगल्स वहाँ मिलते हैं। और आगे ये भी बताया जा रहा है कि उन सभी सेट्स के कलर के जो चूड़ियाँ रहती हैं, उनका पाइल, उनका ढेर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसको क्या करता है एक यंग बॉय, ठीक है, एक यंग बॉय क्या करता है, उसको फोर व्हील्ड हैंड कार्ट में मीन्स जो ठेला होता है उसमें उस चूड़ियों को रख करके वो पूरे फिरोजाबाद के पूरे टाउन में, पूरे गांव में, पूरे शहर के हर एक गली में क्या करता है, उसको सेल करने जाता है, उसको बेचने जाता है। And in dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. Okay, आगे ये भी बताया जा रहा है कि एक dark hutments में उसी लाइन के आगे एक फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, मतलब फ्लिकरिंग मीन्स जो अस्थाई रहता है, एक ऐसा लैम्प रहता है वहाँ पे, एक बॉय और एक गर्ल अपने फादर और मदर, अपने मम्मी पापा के साथ एक बॉय और एक गर्ल बैठे रहते हैं, और उन लोग क्या करते रहते हैं, जो कलर्ड ग्लास रहता है, ठीक है, जो कलर वाला जो ग्लास मीन्स कांच रहता है, उसका वेल्डिंग पीसेस, मतलब उसके टुकड़ों को जोड़ते रहते हैं, और उससे उन लोग बैंगल का सर्कल, बैंगल आप लोगों ने देखा ही होगा कि वो सर्कल शेप में होता है, तो ऐसे उसको टुकड़ों को जोड़ करके वो सर्कल शेप बनाते हैं, और उनका जो आइज़ रहता है वो बाहर में जो लाइट रहता है उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बाहर में लाइट रहने का मतलब है जो सनलाइट होता है, क्योंकि उन्होंने तो अपना पूरा दिन पूरा रात कहाँ गुजारा है, एक बंद से कमरे में जहाँ ना कोई रोशनी होती है और ना ही हवा होता है, पूरे दिन उन लोग हाई टेम्परेचर में रह के सिर्फ बैंगल मेकिंग का वर्क करते रहते हैं, तो अगर वो बाहर आते हैं सनलाइट पे तो उनका जो आइज़ रहता है वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता है। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. ठीक है, और यही एक कारण है कि जब उन लोग एडल्ट होते हैं, मतलब जब वो बड़े हो जाते हैं, तो यही कारण है कि वो अपने आई साइट को, मतलब उनके देखने का जो नज़रिया होता है, मतलब आँख की जो रोशनी होती है, उसको उन लोग खो देते हैं। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस सिट्स लॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमेन सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास।
आगे ऑथर एक और लड़की के बारे में बताती है जिसका नाम रहता है सविता। वो भी यंग रहती है और वो ड्रैब पिंक ड्रेस में, मतलब जो पिंक कलर का वो ड्रेस पहने रहती है वो बहुत ड्रैब मीन्स पुराना रहता है, उसके कलर भी क्या हो जाते हैं डल हो जाए रहते हैं ऐसे कपड़ा पहन के। वो एक एल्डरली वूमेन मतलब एक बुज़ुर्ग औरत बोल सकते हैं, बुज़ुर्ग औरत के अलॉन्ग साइड बगल में बैठे रहती है और वो क्या करते रहती है, पीसेस ऑफ ग्लासेस कांच के टुकड़ों को सोल्डरिंग करते रहती है, मीन्स उसको टाकने का जो प्रक्रिया होता है। एज हर हैंड मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, आई वंडर इफ सी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स सी हैज मेड। ओके, आगे ऑथर ये बताती है कि जो उसका हैंड रहता है, उसका हाथ रहता है, मानो वो मशीनों की तरह चलते रहता है। उसके हाथ में जो टोंग्स रहते हैं, जो चिमटा रहता है, ऐसे लगता है जैसे कि वो मशीन है, इतने स्पीड में वो काम करते रहती है। वो ऑथर रहती है, वो बहुत ज़्यादा वंडर हो जाती है, आश्चर्य हो जाती है उसके सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, ठीक है, मतलब उसके काम की शुद्धि को देख के वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो जाती है कि इतने स्पीड में ये सविता कितना स्पीड में इतना अच्छा काम कैसे कर ले रही है। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वूमन सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। आगे ऑथर ये भी बताती है कि जो बैंगल होता है वो इंडियन वूमेन का, ठीक है, जो भारतीय नारी रहती है उसका क्या रहता है, वो सुहाग का प्रतीक रहता है, जिसको मैरिज में, जिसको शादी के टाइम पे बहुत ऑस्पिशियसनेस मीन्स शुभ माना जाता है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विथ अ रेड विल, हर हैंड्स डैड रेड विथ हीना एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट। आगे ऑथर ये भी बताती है कि एक दिन अचानक से क्या होगा, जब उसके सर पे लाल कलर की चुनरी आ जाएगी, उसके हाथों में मेहंदी लगाया जाएगा, तो उसके कलाई पे क्या किया जाएगा, वो खुद उस बैंगल को पहनेगी। सी विल देन बिकम अ ब्राइड, और उस दिन वो क्या बनेगी, एक ब्राइड बनेगी, एक दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वन बिसाइड हर हु बिकम वन मैनी ईयर्स एगो, ठीक है, आगे वो बताती है कि जिस तरीके से उसके साइड पे एक ओल्ड वूमेन रहती है, वो एक दिन बहुत साल पहले एक दिन वो भी दुल्हन बनी थी, उसी तरीके से सविता भी एक दिन क्या करेगी, ब्राइड बनेगी। सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, ठीक है। आगे ऑथर ये बताती है उसी वुमेन को कंपेयर करते हुए कि उसके हाथों में, उसके कलाइयों में क्या है, चूड़ियां तो हैं लेकिन उसकी आँख में रोशनी नहीं है, उसकी आँख में लाइट नहीं है। तो वो कहती है बहुत ही जॉयफुली, ये कहती है एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, ठीक है, मतलब एक टाइम पे उन्होंने ठीक से खाना भी नहीं खाया। सी हैज नॉट इन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, दैट्स वॉट सी हैज़ रिप्ड। आगे वो जो ओल्ड वुमेन रहती है वो बताती है कि उन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में, मीन्स अपनी पूरी ज़िंदगी में एक वक्त का भी भरपेट खाना नहीं खाया है, ठीक है, और इस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को क्या किया है, गुजार दिया, अपनी ज़िंदगी को काटा है, कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी नहीं आया जब उन्होंने फुल मील किया हो। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विथ अ फ्लोइंग बियर्ड says I know nothing except bangles, all I have done is make a house for the family to live in। और उस old woman के जो husband थे, ठीक है, जिनका flowing beard, जिनकी दाढ़ी थी, वो ये कहते हैं कि उनको bangles के सिवा उनके पास कुछ है नहीं और उनको कुछ आता नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक काम किया है, और वो काम क्या किया है, उन्होंने अपनी family के लिए एक घर बना दिया है जिस पे कि वो रहते हैं। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. तो ऑथर कहती है कि जब वो उनका बात सुन लेती है कि उनके वो कुछ आता नहीं, उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक काम ऐसा किया है कि उन्होंने अपनी फैमिली के लिए क्या किया है, एक घर बना दिया है। इसको सुनने के बाद ऑथर कहती है कि एटलीस्ट घर बनाने के लिए तो कई लोग नाकाम रह गए, उसने क्या किया, एटलीस्ट अपने फैमिली के लिए एक घर तो बनाया और उनके सर के ऊपर एक छत तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स।
आगे ऑथर ये भी बताती है कि द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, ठीक है, मतलब उनके पास पैसा नहीं है, इसके लिए जो वो रोते रहते हैं कि उनको सिर्फ क्या चीज़ का बिजनेस करना पड़ता है, क्या चीज़ का व्यापार करना पड़ता है, तो सिर्फ मेकिंग बैंगल चूड़ियाँ बनाने का जो उनको व्यापार करना पड़ता है, इसके वजह से ना उनके पास क्या है, ज़्यादा पैसा नहीं रहता है ये, और ना ही उनके पास खाने के लिए रहता है, ठीक है। तो ये जो शिकायत है वो उस फिरोज़ाबाद के हर एक घर की शिकायत रहती है। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और जो यंग मैन रहता है वहाँ पे, एक यंग मैन मतलब एक युवा लड़का रहता है, वो अपने घर के बुजुर्गों से ये शिकायत करते हुए उसको बार बार रिपीट करने लगता है, मीन्स इको करने लगता है, दोहराता है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सिम्स इन फिरोज़ाबाद, ठीक है, फिरोज़ाबाद में थोड़ी सी चीज़ें बदल तो गई। ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, ठीक है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल मीन्स जो बोरिंग सा टॉयल रहता है, ठीक है, कि उनको तो जैसे ही बचपन से उन लोग पैदा होते हैं तो वो सिर्फ चूड़ियाँ देखते हैं और उनको क्या करना रहता है, मेकिंग बैंगल्स का ही काम करना रहता है। तो उनको जो ड्रीम देखने की जो एबिलिटी रहती है, मतलब सपना देखने का जो क्षमता रहता है, वो स्टार्टिंग से इनिशियली क्या होता है, वो ख़त्म हो जाता है। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trap their fathers and forefathers. Okay, तो आगे author उनसे question पूछती है, Why not organize yourselves in a cooperative? तुम खुद को एक cooperative में क्यों organize नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं करते हो? वो एक young group of young men में से एक किसी से ये सवाल पूछती है, जो कि एक विशेष सर्कल में मिडिल मैन हु ट्रैप देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, मीन्स उनके जो फादर्स हैं, फोर फादर्स हैं, मीन्स उनका जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम चलते आते रहता है, उसी को ऑथर कहती है कि तुम क्यों खुद का एक कोऑपरेटिव नहीं बना लेते हो। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस बिटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल दे से, ठीक है। आज जैसे ही वो ऑथर उनसे क्वेश्चन करती है कि तुम खुद का कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते हो, तो वो रिप्लाई करते हैं, वो जवाब देते हैं कि अगर हम खुद को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो क्या होगा, हम लोगों को पुलिस घसीट करके, हॉलोड अप करके, मीन्स घसीट करके ले जाएगी, हमको बहुत मारेगी और हमको जेल में डाल देगी ये इलीगल काम करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि ये इलीगल तो है नहीं, लेकिन फिरोज़ाबाद में ऐसा रूल बना दिए थे वहाँ के लोग, ठीक है, जो पॉलिटिशियंस होते थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे, उन लोग ऐसा रूल बना दिए थे कि फिरोज़ाबाद के जितने भी लोग हैं सिर्फ उनको बैंगल मेकिंग का काम करना है। देर इज़ नो लीडर अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, ओके। आगे ऑथर ये भी बताती है कि उनके बीच कोई एक लीडर नहीं था, कोई एक मुखिया नहीं था, और उनको हेल्प करने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए वो चीज़ों को दूसरी नज़रिए से कभी देखते ही नहीं थे। जिस तरीके से वो मजबूर हैं आज, उसी तरीके से कल उनके फादर भी ऐसा मजबूर हुआ करते थे। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पुअर्टी टू एपथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, और वो बताती है कि उनका जो ज़िंदगी है वो कैसे चल रहा है, एक स्पाइरल की तरह चल रहा है, ठीक है। कभी वो स्पाइरल से मूव होकर के पुअर्टी गरीबी में जाते हैं, गरीबी से मूव होकर के एपथी मतलब उदासी में जाते हैं, क्यों, क्योंकि जितने भी लोग हैं, मीन्स जितने भी वहाँ पॉलिटिशियंस हैं जो इनजस्टिस करते हैं, वो सब क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्रीड है, मीन्स लालची हैं। Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a wave of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. इन सब बातों को सुन करके ऑथर ये बताती है कि वो दो तरीके की दुनिया देखती है। एक दुनिया तो वो जो जिस दुनिया में इस तरीके के लोग रहते हैं, मीन जो फिरोज़ाबाद में जो लोग रहते हैं, ठीक है, तो एक दुनिया ऐसा होता है जिसमें इस तरीके के लोग रहते हैं जो कि गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं, और उनका क्या है, जो कास्ट है, मीन्स ऐसी जाति में वो पैदा होते हैं जिसमें उनको एक काम पहले से दे दिया जाता है, जिस तरीके का हमने इस चैप्टर में भी रीड किया है। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, और दूसरा
दूसरी दुनिया, वो दुनिया में किन लोग आते हैं? जो बड़े बड़े साहूकार्स लोग रहते हैं, जो मिडिल मैन लोग रहते हैं, जो लॉ बनाते हैं, लॉ को कीप करने वाले रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स मीन्स जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस रहते हैं, इनका एक अलग दुनिया रहता है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, ठीक है, उन दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, जो एक चाइल्ड रहता है एक बच्चे के ऊपर क्या करते हैं, वो काम थोप देते हैं जिस तरीके से, मतलब उसके अवेयर होने से पहले, जैसे उसके में समझदारी आती है, उसकी समझदारी आने से पहले क्या किया जाता है, उस बच्चे के माइंड में डाल दिया जाता है कि उनको क्या करना है, बैंगल मेकिंग ही करना है अपने लाइफ में। तो जैसे वो अवेयर हुआ, उससे पहले उसके दिमाग में तो यही बैठे हुए रहता है कि उसको बैंगल मेकिंग ही करना है। जिस तरीके से उसके फादर ने उसको एक्सेप्ट किया था, उसी तरीके से आने वाली जनरेशन भी क्या कर लेती है, उस काम को एक्सेप्ट कर लेती है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर एंड डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। आगे ये बता रही है ऑथर कि अगर उनको कुछ अलग करना है तो उसके लिए उनको डेयर की ज़रूरत होती है, मीन्स हिम्मत की ज़रूरत होती है, और उनके पास हिम्मत नहीं होती है, ठीक है। एंड डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, जैसे वो बढ़ते जाते हैं तो उनके पास हिम्मत नहीं होती कुछ भी चीज़ करने के लिए, उनके पास डेयर नहीं होता है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट मिनम इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक हियर रिपीट्स, ठीक है। आगे ऑथर ये बताती है कि जैसे ही वो मुकेश का देखती है फ्लैश की, वो अब क्या बनना चाहता है, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो जो ऑथर रहती है वो उसको चीयर करती है, उसका उत्साह बढ़ाती है, और जो मुकेश रहता है वो दोबारा से रिपीट करता है कि उसको एक मोटर मैकेनिक बनना है। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, ठीक है। वो गैरेज जाता है एक, और वहाँ पे जाके वो वहाँ काम सीखता है, जबकि वो जो गैरेज रहता है वो उसके घर से बहुत ज़्यादा दूर रहता है। आई विल वॉक ही इंसिस्ट डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन ही सडनली साइलेंट। अब वो जो मुकेश रहता है वो बोलता है आई विल वॉक, मैं चल करके चले जाऊँगा। तो जो ऑथर रहती है वो पूछती है कि क्या तुमको प्लेन उड़ाने की भी ड्रीम है, मतलब क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो। तो मुकेश क्या हो जाता है, अचानक से साइलेंट हो जाता है, मतलब खामोश हो जाता है। नो ही सेज स्टेरिंग एट द ग्राउंड इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, ठीक है। वो बोलता है नहीं बोलता है वो, और नीचे ज़मीन की तरफ देखने लग जाता है इन ए स्मॉल मर्मर, और उसकी आँखों में अब क्या रहता है, एम्बेरसमेंट रहता है, मीन्स शर्मिंदगी रहती है, जिससे वो कुछ भी शर्मिंदगी को वो अपने खेद में रिग्रेट में नहीं बदलता। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार दैट ही सीज हटलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। आगे ये भी बताते हैं कि जिस तरीके से मुकेश ने कार को देखा था, ठीक है, ग्राउंड पे मीन्स जमीन में चलता हुआ कार देखा था, उसके वजह से उसको मोटर मैकेनिक बना था, इसलिए वो क्या बनना चाहता था, उसने कार को देखा और उसके अंदर ये आया क्यूरियोसिटी कि उसको मोटर मैकेनिक बनना है। उसने कभी इस तरीके से प्लेन्स के बारे में नहीं सोचा था। लास्ट में ये भी बताया जा रहा है कि फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के ऊपर से कुछ एयरप्लेन्स भी क्या करते हैं, उड़ते हैं। तो इसी तरीके से हमारा ये स्टोरी भी कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट्स की ये स्टोरी भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में हमने दो स्टोरीज देखी। फर्स्ट तो हमने साहेब आलम जो कि एक रैक पिकर था उसका स्टोरी देखा, और सेकंड स्टोरी हमने देखा मुकेश के बारे में जो कि क्या बनना चाहता था, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। वो फिरोजाबाद में रहने वाला एक लड़का था जहाँ लोग जैसे ही पैदा होते हैं उनको बैंगल मेकिंग का काम दे दिया जाता था, और उन सब चीज़ों से या फिर उन सब लोगों से हट के मुकेश अपना एक सोच रखता था और उसको एक मोटर मैकेनिक का काम करना था, ठीक है। तो इस ऑथर ने इन स्टोरीज़ के थ्रू हमको ये बताना चाहा है कि कैसे एक चाइल्डहुड भी स्टोल हो सकता है, मीन्स एक बचपना भी छीना जा सकता है, चोरी हो सकता है, कि बचपन से जो बच्चे क्या करते हैं, काम करने लग जाते हैं, उनका तो बचपना ही नहीं होता। तो इन स्टोरी के थ्रू ऑथर बस हमको यही समझाना चाहती है। आई होप कि ये दोनों स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।